हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी क्लास 10, 12 एंड ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम क्लास 9 टू 12। ठीक है भैया, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो महत्व है या फिर जो इम्पोर्टेंस है वो अभी बहुत ज्यादा घट गया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ CUET। भैया व्हाट डू यू मीन बाय CUET? CUET का फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मान लो कि इसको इस तरीके से हम तुमको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, हम लोग 12वीं के जो रिजल्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर गेटिंग एडमिशन एनी गुड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, राइट? बट अभी से यार जो अमेंडमेंट बिल आया है या फिर जो एक्ट है उसके अनुजाई या फिर उसके अनुसार CUET इज इम्पॉर्टेंट, योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले के जमाने में यार शर्मा जी आपके लड़के को 95% आया इसलिए वो एक अच्छा कॉलेज में जा रहा है, बट तुमको अच्छा मार्क्स नहीं आया, तुम अच्छा कॉलेज में नहीं जा सकते। जो बैरियर है ये बैरियर कर कंप्लीटली तोड़ दिया गया भाई। इसका तोड़ देकर क्या रीजन क्या है यार? रीजन ये है कि चाहे CBSE की बात करो, चाहे IAS की बात करो, चाहे कोई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करो, स्टेट बोर्ड्स, हर एक बोर्ड्स के डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, ये मतलब कुछ दिन पहले हम क्या सोचे थे, मतलब क्या सुने थे कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आ गया, राइट? बट राइट नाउ उसके हिसाब से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो ये है कि CUET। ठीक है, इसके अंदर दो फेज है, फिर दो शिफ्ट में हम लोग को एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अच्छा, इसको UGC ने भी यार इसको मान्यता दे दिया है एंड इसके अंदर हर एक यूनिवर्सिटीज अभी आ रहे हैं, चाहे तुम प्राइवेट के अंदर ज्वाइन कर रहे हो या फिर तुम किसी गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, अच्छा इसका यार कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है कि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन से जो बैरियर है वो बैरियर अभी यार ना रहा, मतलब वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। देखो, कोई बोलता है ना वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेपर टफ है, कोई बोलता है नहीं भैया IAS टफ है, कोई बोलता नहीं भैया CBSE इससे भी ज्यादा टफ है। तो वो टफनेस हर एक बोर्ड का नंबर, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए तुमको 90% चाहिए अभी, बट उसके बाद ये देखा जाता है कि वो बच्चा 90% कौन सी बोर्ड से उन लोगों को मिल रहा है, उसके बाद उसके अनुसार सब कट फट होते हैं कि ये बच्चे को इसका इतना मिल रहा है, ये यूनिवर्सिटी अच्छे, फिर ये बोर्ड अच्छा था इसलिए ज्यादा नंबर मिल गया। तो वो बैरियर अभी कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, मैं तुमको यार, तुम लोग देख सकते हो, मैं तुमको यार और 10 पॉइंट बताने वाला हूँ इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि 12वीं का तो चीज एकदम सा खत्म या फिर समाप्त हो गया है, मतलब हाँ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दोगे यार। देखो, ये नया चीज आ रहा है, बट मैं सबको बोलूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से फोकस करो, जो दे रहा है वो अच्छे से दो। बट इसके साथ और 10 चीज है जो तुमको जानना इंपॉर्टेंट है अगर तुम 12वीं का स्टूडेंट। बट उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, वो सुन लो, उसके बाद हम वीडियो के अंदर वापस आ रहे हैं। सो यार, मैं जैसे तुम लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी यार बोला था कि यार प्राइस हाइक होने वाला है ऑन एन एकेडमी, 20% प्राइस हाइक होने वाला है। तो यार अगर तुम अभी सब्सक्रिप्शंस लेने वाले हो तो तुमको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, बिकॉज इसके बाद यार प्राइस हाइक होगा। मेरा कोड यूज करना आकाश टॉक्स, ठीक है, फॉर गेटिंग 10% मोर डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द कोर्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम एन एकेडमी। अच्छा, कॉमबैक के बारे में पहले ही बात किया था, 27th of March कॉमबैक है, 3 बजे से इसके अंदर जाकर दो 1 करोड़ के प्राइस मानिए जो काफी बहुत ज्यादा होते हैं। नीचे मेरा कोड है, कोड यूज करो एंड कॉमबैक जरूर देना यार, जो लोग थोड़ा लॉ के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, अच्छा, 1000 रुपये फ्लैट मिलने वाला है अगर तुम अभी आज के अंदर एनरोल करोगे। ठीक है, अच्छा, AI LLT एंड CLAT के डेट शीट भी रिलीज हो गए हैं एंड 3 न्यू बैचेस दैट हैज बीन लॉन्च बाय एकेडमी, एक है लीगल लॉ, दूसरा है लर्न GK एंड करंट अफेयर्स, तीसरा है लर्न रीजनिंग। ठीक है, जो कि आप 25th and 23rd दोनों हो गया है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर तुमको पढ़ाया जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, 10 things यू नीड टू नो फॉर CUET। अच्छा, क्या बोला है? पहला बात तो ये कि डायरेक्ट एडमिशन विल टेकन प्लेस थ्रू NTA, मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो तुम्हारा एग्जाम लेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ द एग्जैक्ट डेट ऑफ एंट्रेंस हैज नॉट बीन अनाउंस, मतलब अभी तक इसका जो कब इसका एग्जाम लिया जाएगा अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, बट बहुत ही जल्दी इसका पकड़ लो कि यार 1st week of July यार CUET होगा, चाहे तुम UG के अंदर एडमिशन ले रहे हो या फिर PG मतलब अंडर ग्रेजुएट के अंदर एडमिशन ले रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तुमको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम मतलब इजीली जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज बैरियर कोई है नहीं, 13 लैंग्वेज के ऊपर एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लैंग्वेज क्या है? हिंदी, महाराष्ट्र, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, ओडिशा एंड इंग्लिश, मतलब 13 लैंग्वेज का बैरियर, मतलब लैंग्वेज बैरियर भी कम्प्लीटली समाप्त हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अभी इसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब अगर तुम कोई स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो, मान लो DU यूनिवर्सिटी या फिर CU यूनिवर्सिटी, कैलकुलेट यूनिवर्सिटी, तो तुम इजिली आ सकते हो। ठीक है,
बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अभी CUET 2022 को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिल कर दिया है, ठीक है। मतलब सिर्फ CUET दोगे तुम डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो कोई अच्छा कॉलेजेस में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम लोग देख सकते हो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स विल नॉट बी कैरी एनी वेटेज, ठीक है। हाउएवर यूनिवर्सिटी कैन स्टिल आस्क फॉर योर मार्क्स, ठीक है। मतलब तुमको एक 60% कुछ चाहिए, ठीक है। बट 12वीं का मार्क्स इज नॉट राइट नाउ मीन फॉर एनी काइंड ऑफ वेटेज। एक बहुत बड़ा चेंजेस बोल सकते हो, एक मतलब बहुत बड़ा चेंज इन योर एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इन योर एजुकेशनल सोसाइटी बोल सकते हो, फिर एजुकेशनल थिंग, ठीक है। एंड 6 डोमिन मतलब सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो 23 डोमिन तो तुम्हारे डोमिनियन सब्जेक्ट्स होगा। तुम मतलब बहुत अच्छे है, तुम लोग खुद एक बार देख सकते हो इसको, ठीक है। तो हमारे 12वीं का जो वो है कि हाँ यार इतना मार्क्स तुमको करना चाहिए, वो कंप्लीटली समाप्त हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं यार ये वाला जो न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उनको पहुँचवा पाया, ठीक है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक करो, करते रहो यार आकाश टॉक्स को, जब भी मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं तुमको तुरंत ही तुम्हारे पास वो वाला इन्फॉर्मेशन को सूचित कर दूंगा, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। गुड बाय, गुड नाइट।